सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल के आइकन पे ताकि फ्यूचर में आने वाला हर एक वीडियो आपको मेल और नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं DNA। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पैन कार्ड में आधार नंबर कैसे लिंक्ड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेंगे 3nsdl.com वाला वेबसाइट। आपको ये वेबसाइट का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस वेबसाइट का लिंक ले लीजिए, आप यूज कर सकते हो वहां से। ये NSDL का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें हाल ही में एक दो दिन पहले, मेरे को लग रहा है कि एक दो दिन पहले ये लिंक्ड आया है कि लिंक्ड आधार टू परमानेंट अकाउंट नंबर। आप बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में आप ऐड कर सकते हैं अपने पैन में आधार नंबर को। आपको कहीं भी कोई भी साइनअप करने का जरूरत नहीं है, कोई भी अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 3-nsdl.com वाले वेबसाइट पे चले जाएंगे। जाने के बाद देखिए यहाँ टॉप पे सबसे ऊपर में आप यहाँ देखिए इस वाले लिंक पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए लिंक आधार टू परमानेंट अकाउंट नंबर पैन न्यू करके आ रहा है। ये नया अभी फिलहाल कुछ सर्विसेज ऐड हुआ है, तो आप यहाँ आसानी से एकदम अपना आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ सकते हैं। आप यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये पूछ रहा है पैन नंबर, पैन नंबर आप इंटर कर दीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पैन नंबर इंटर कर दिया, इंटर करने के बाद आधार नंबर भी इंटर कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ कैप्चा कोड पूछ रहा है, उसको आप एज इट इज जैसे भी दिख रहा है वो स्मॉल तो स्मॉल, कैपिटल तो कैपिटल आप डाल दीजिए। यहाँ से देखिए डिक्लेरेशन आ रहा है कि यहाँ पे आप डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कीजिए। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि अगर आप इस मेथड से अपना पैन नंबर में आधार नंबर को लिंक्ड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जरूरी है कि आपके आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो इस मेथड से आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर आपका आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है तो सबसे पहले आप इनरोलमेंट एजेंसी कोई भी होगा जो आधार बनाता होगा वहाँ जाइए, एक फॉर्म फिलअप कीजिए और आधार नंबर में अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सबसे पहले रजिस्टर्ड करवाइए। रजिस्टर्ड होने के बाद आप यहाँ पे आइए और इस सिंपल वे में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि 30 जून तक ही आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं। अदरवाइज आपका पैन में भी हो सकता है कि होल्ड पे चला जाए या सस्पेंड हो जाए, जो भी हो सकता है। इससे पहले आप अपना पैन को आधार के साथ लिंक कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना डिटेल्स को फिल कर लिया हूँ, अब यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अब आ गया कि आपके मोबाइल जो भी आधार के साथ जो लिंक्ड है आपका मोबाइल नंबर, उस पर वन टाइम पासवर्ड जाएगा या तो आपके ईमेल आईडी पे। देखिए मेरे को पासवर्ड मिल चुका है, वन टाइम पासवर्ड। मैं यहाँ पे अब इंटर करने वाला हूँ, आप भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं इंटर कर दे रहा हूँ वन टाइम पासवर्ड और यहाँ पे मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप भी क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ सबमिट बटन पे और यहाँ पे रिसिप्ट भी मेरे को मिल गया है। देखिए NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करके मेरा पैन नंबर आ गया, यहाँ मेरा आधार नंबर आ गया, ऑथेंटिकेशन स्टेटस में यस हो गया, यस ग्रीन हो गया और देखिए ट्रांजेक्शन आईडी भी मेरे को मिल गया है और आधार लिंकिंग स्टेटस भी मेरे को दे दिया है कि हैज बीन एक्सेप्टेड, मींस कि ये एक्सेप्ट हो गया। अब मैं इजीली यूज कर सकता हूँ, अब मेरे को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, ना ही मेरा पैन कार्ड बंद होगा, ना ही मेरा आधार कार्ड पे कुछ होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, आपकी इसके द्वारा बहुत ही इजी वे में आप अपना पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों देखिए ये हमारा चैनल है, अगर वीडियो पसंद आया और आगे फ्यूचर में इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो
तो प्लीज 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 आप सब्सक्राइब कीजिए इस बटन को। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपको कोई इसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद देखिए यहाँ पे बेल का एक आइकन आएगा, उस बेल के आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो मेल और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू दोस्तों,